हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम पप्पू प्रेम, मैं मुंबई से हूँ, कॉइन डीलर। आपके सामने बहुत अच्छा ज्ञान लेके आया हूँ। अगर आप ये ध्यान से अगर वीडियो देखते हैं और आप कलेक्टर हैं तो आप अच्छे स्पेशल कलेक्टर बन सकते हैं, क्योंकि मैं आज ऐसे कॉइन्स की मिंट वाइज की जानकारी दे रहा हूँ, एक ऐसी बुक की जानकारी देने जा रहा हूँ आपके लिए जो आपके पास शायद अभी तक आई नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारे पास एक बुक है कॉइन्स की। इसमें पूरे कॉइन्स की जब से लेके कॉइन्स छपे हैं, जब से लेके आज तक, मेरा जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ 1835 से लेके निया सन 2022 तक का पूरा इसमें ज्ञान है बुक के अंदर। और ये बुक्स हमारे पास आसानी से मिल जाएगी अगर आपको चाहिए तो। बुक्स लेने के बाद आपको ऐसा ही नहीं है, अगर आप कलेक्शन कर रहे हैं तो बुक्स लेने के बाद ऐसा ही नहीं है कि आपने बुक ले ली। आपको उसमें ध्यान से पढ़ना है, सीखना है कि मिंट वाइज कॉइन या रेयर कॉइन्स या जिनकी वैल्यू हजारों में होती है वो कॉइन्स कौन से हैं, या उनकी ईयर कौन सी है, या उनकी मिंट कौन सी है। तो आपको उसके लिए पहले मिंट के बारे में जानकारी मैं दूंगा कि मिंट क्या चीज होती है और उसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी, और कितने नंबर इसमें जो बुक में वो कितने नंबर पेज है, वो पेज के ऊपर मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि वो मिंट क्या है और उसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी। मैं आपको दोस्तों ये बुक के अंदर वो आज आपको मिंट की जानकारी के बारे में बताना चाहूँगा कि मिंट जानकारी क्या है। दोस्तों, मिंट की जानकारी मैं जैसे आपको अभी दिखा रहा हूँ, बहुत ही बारीकी से आपको देखना है। ये पेज नंबर 113, ये बुक के साईनाथ रड़प्पा जी की बुक है। ये इंडियन कॉइंस, ये देख सकते हैं आप, हमारे पास इंडियन कॉइंस बुक है ये साईनाथ रड़प्पा जी की। और इसमें आपको मिंट की जानकारी, आप लोग बोलते होंगे कि मिंट क्या चीज़ होती है और हमको रेयर सिक्के की कैसे जानकारी मिलेगी, तो आपको यहाँ पे देखना होगा इंडियन मिंट मार्क। इंडियन मिंट मार्क में आपने देखा होगा मुंबई मिंट, मुंबई मिंट के बाद है कोलकाता मिंट, हैदराबाद मिंट और नीचे है नोएडा मिंट। अब ये तो आपने देख लिया कि चार मिंट है इंडिया में, लेकिन इसमें मिंट मार्क कैसे होता है और कहाँ होता है। मिंट मार्क जहाँ पे कॉइन के नीचे ईयर होती है, ईयर के नीचे एक छोटा सा मार्क होता है जिसको हम लोग मिंट मार्क बोलते हैं, और उससे आप कॉइन को पहचान सकते हैं कि ये कॉइन कौन सी मिंट का है और क्या वैल्यू है उसकी। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ मुंबई मिंट का, आपको देख सकते हैं यहाँ पर डायमंड है, और डायमंड मतलब बोले तो एक काजू कतरी का पूरा शेप है एक अच्छा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मुंबई मिंट। उसके बाद आता है कोलकाता मिंट, कोलकाता मिंट का जो नो मिंट मार्क था, मतलब अगर ईयर के नीचे कुछ भी नहीं है तो वो है कोलकाता मिंट। और दूसरा आता है हमारे पास, तीसरा आता है हैदराबाद मिंट। तीसरा हैदराबाद मिंट जो है अभी लेटेस्ट वाला, उसमें तीन मिंट मार्क थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो अभी जो चल रहा है वो है स्टार, हैदराबाद मिंट का अगर स्टार है ईयर के नीचे तो वो है हैदराबाद मिंट। चौथा नंबर पे आता है हमारा स्पेशल नोएडा मिंट। नोएडा मिंट में क्या था, डॉट था ओनली, सिंगल। नोएडा मिंट के बाद अगर आप ईयर के नीचे आप चेक करते हैं बारीकी से तो ये दिखता है आपको डॉट। डॉट का मतलब होता है, अगर आप इसको स्पेशल लेंस लेके देखना है, बारीकी से देखना है, अगर आपके पास मैग्नीफाई ग्लास है तो उससे आसानी से आप उस चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि ये जो डिज़ाइन दी है मिंट की, ये बहुत बारीक होती है, बहुत छोटी होती है, उसको आपको स्पेशल लेंस लेना पड़ेगा, मैग्नीफाई ग्लास लेना पड़ेगा, और वो ग्लास भी हमारे पास उपलब्ध है। हम उसकी भी कोशिश करेंगे कि वो ग्लास भी हम आपके पास पहुँचा सकें। तो दोस्तों, ये था एक आज हमारा एक इंटरव्यू था आपके तक पहुँचाने का, एक यही संदेश था कि आप मिंट की जानकारी लें। ये पेज नंबर 113 पे आपको जाना है, यहाँ पे अगर ये बुक अगर हमसे आप खरीदते हो, पेज नंबर 113, इसमें पूरा मिंट के बारे में जानकारी दी है। ये फॉरेन मिंट है, फॉरेन मिंट में अपने को ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने को इंडियन मिंट में ज़्यादा देना है, क्योंकि इंडियन मिंट के जो सिक्के होते हैं वो काफ़ी वैल्यूबल होते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं और काफ़ी रेयर भी होते हैं। कि कौन से सिक्के रेयर हैं उनकी जानकारी मिंट अगर आप समझ जाते हैं तो आगे जाके बुक के अंदर पूरी जानकारी दी हुई है, पूरा रेट वगैरह। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, एक छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहूँगा मैं यहाँ पे, मामूली सा है। जैसे कि हम आपको बता देंगे हाफ रुपीस, वन आना, टू आना। टू आना में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 1950, 1954, 1955
इसमें ये 3 मिनट है। अब ये 3 मिनट को हम लोग कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ पे मैं बारीकी से दिखा रहा हूँ, फाइन कंडीशन, वेरी फाइन कंडीशन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन और यूएनसी कंडीशन, इसके बाद वो रेडी होती है। और वो किस मिंट ने बनाया, इन तीनों सिक्कों को बॉम्बे मिंट ने बनाया है, यहाँ पे बॉम्बे लिखा हुआ है, तो इसके लिए आपको बारीकी से देखना है। और दूसरा उसके साथ साथ आप रेट देख सकते हैं कि जो 1950 का कॉइन है आपका फाइन कंडीशन का, 350 रुपया इसमें लिखा है, 500 लिखा है और 1000 लिखा है, लास्ट में जाके 1500 लिखा है। दोस्तों आपको हमें रेट पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बुक लीजिए, बुक से आपको ज्ञान मिलेगा, वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। जैसे कि मैं लास्ट में आपको दिखाना चाहूँगा बुल कॉइन 2 आने का, लास्ट सबसे लास्ट तीसरा नंबर का 1955 का ये बुल कॉइन है, 1955 का जो फाइन कंडीशन मतलब कि सबसे ज़्यादा यूज कंडीशन कॉइन, सबसे ज़्यादा यूज कंडीशन कॉइन है 10,000 रुपये का, कम से कम आपको उसका 10,000 रुपया ही मिलेगा। जैसे कि और उसके बाद इसमें होता है मार्केट एंड डिमांड कंडीशन एंड मार्केट एंड डिमांड, अगर कॉइन की डिमांड ज़्यादा है तो हो सकता है आपको ज़्यादा भी पैसा मिले, लेकिन आप 10,000 रुपया तो समझ सकते हैं कॉइन का। और उसमें भी अगर आप डीलर के पास जा रहे हैं तो वो भी अपना 100-200 कम करके ही आपको देगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये इतना तो आपको मिल सकता है। दूसरा है उसमें कंडीशन के ऊपर उसका वैल्यू है, आगे जाके देखेंगे तो उसमें बताया है कि 35,000 तक भी इस कॉइन का वैल्यू मिल सकता है, लेकिन ये यूएनसी रहेगा तो। उसके बाद जिस तरीके से इस कॉइन की डिमांड आती है या इस कॉइन को आप अपने कलेक्शन में रखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से मैंने एक छोटा सा आपको यहाँ पे ये इंटरव्यू में समझाने की कोशिश की है कि ये ऐसे कॉइन्स मिंट वाइज वो बहुत कॉस्टली होते हैं और बहुत ही रेयर होते हैं, जिनका आगे जाके आप लोगों ने देखा होगा कि आप अपने फैमिली के लिए ना FD करते हैं, FD आपको पता है बैंक के अंदर 12 साल के बाद डबल करती है। आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको बहुत मतलब 8 साल के अंदर वो पैसा डबल हो जाए आपका, ये चैलेंज है हमारा, पक्की बात है। आप इन मिंट वाइज सिक्कों में, महंगे सिक्कों में आप ज़्यादा नहीं 8 साल खाली इन्वेस्टमेंट करिए, भूल जाइए 8 साल के बाद, 8 साल के बाद आप हमें बताइए, 100% आपका पैसा वो डबल होने की कोशिश में रहेगा। लेकिन आप वही चीज़ आप बैंक में FD करते हैं तो वही 12 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा, तो ये एक शौक भी है और आपको उसके साथ साथ आपको पैसा भी मिल सकता है, यानी कि आपका शौक भी पूरा हो सकता है और कलेक्शन होने के साथ साथ आपका शौक पूरा होने के साथ साथ आपको अगर कुछ पैसा मिल रहा है एक्स्ट्रा तो उससे बड़ी खुशी की क्या बात है। ये तो बहुत ही अच्छा मतलब ये कॉइन्स में, और इसमें कोई कालाबाजारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एकदम आपको सच्चे दिल से ईमानदारी से काम करना है, अच्छे डीलरों से माल लेना है, अच्छे लोगों से मिलना है, कुछ के किसी के जाल में फंसना नहीं है आपको, इस तरीके के आपको कॉइन्स लेने हैं और मिंट वाइज ही लेने हैं, UNC सिक्के लेने हैं, कंडीशन वाले सिक्के लेने हैं, उनकी एल्बम लेनी है आपको, एल्बम भी हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी और एल्बम में अच्छे से 2x2 फोल्डर के अंदर लगा के नहीं है उसको आप एल्बम में लगा सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं एल्बम को अपनी तिजोरी में या अपने कपाट में, जहाँ पे भी आप उस चीज़ को रखना चाहते हैं। तो ये इसमें पूरा ज्ञान है बुक के अंदर, ब्रिटिश से लेके निया, रिपब्लिक, कॉमोडिटी और UNC प्रूफ शर्ट, UNC प्रूफ शर्ट भी है, कॉमोडिटी कॉइन भी है। अभी मैं जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से अभी स्टार्ट हो रहा है इसमें ये, और इसमें पुर्तगेज इंडिया के भी कॉइन्स हैं। अभी मैं आ गया हूँ कॉमोडिटी कॉइन्स, इसमें पूरे के पूरे सब्जेक्ट हैं बुक के अंदर, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ कॉमोडिटी कॉइन कैसे होते हैं, हमें तो समझ में ही नहीं आता कॉमोडिटी कॉइन कौन से होते हैं। कॉमोडिटी कॉइन यानी कि जो रिपब्लिक कॉइन्स है उनमें पिक्चर नहीं आती है, और कॉमोडिटी कॉइन जो भी हो 5 पैसे का सेम रहता है, लेकिन उसमें एक तरफ में कॉइन में पिक्चर आती है और दूसरी तरफ में उसका जो रहता है डिनोमिनेशन रहता है। तो आपको यही सीखना है रिपब्लिक क्या है और कॉमोमोरिटी क्या है। कॉमोमोरिटी कॉइन यानी पिक्चर वाले कॉइन्स, फोटो वाले कॉइन्स, और रिपब्लिक कॉइन यानी बिना फोटो वाले कॉइन्स, ये अच्छे से सीखना है, बुक के अंदर आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। और जब भी मैं कोई ना कोई हर एग्जीबिशन में ऑल इंडिया में एग्जीबिशन करता हूँ जाता हूँ, और कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों तक एक अच्छा कलेक्शन पहुँचाने की कोशिश करूँ, लेकिन आप लोग अच्छे से कलेक्शन करेंगे तो, अगर आप अच्छे से कलेक्शन करते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, तो आपका रेयर कलेक्शन तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छा कलेक्शन रहता है, एक खुशी मिलती है,
हमारे देश की धरोहर है, हमारे देश की जो करेंसी है, हमारे देश की जो कॉइंस है, हम उसको बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखते हैं और बहुत अच्छी तरीके से उनको रिस्पेक्ट करते हैं और उस चीज़ को हम एक हॉबी भी बना लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, और उसी से हम प्यार करते हैं, हमारी देश की करेंसी से हम बहुत प्यार करते हैं और बहुत ही हमें अच्छा लगता है और बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। तो मेरी भी वही सोच है कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और आप लोग भी हमारी जो भी देश के कॉइन्स हैं या नोट्स हैं, जो भी है आप करना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं, इस तरीके से लीजिए जिसमें रेयर सिक्के का हर पेज पे, हर डिनोमिनेशन में एक सिक्का रेयर होता है। आपको उस चीज़ को ढूंढना है बुक के अंदर और वो कौन सा है। नहीं समझ में आता है आप हमसे जुड़िए, हमारा नंबर आपको चैनल के एंड में मिल जाएगा और हम वहाँ पे आपको कोशिश करेंगे कि हम और हमारा पूरा टीम, हमारा पूरा स्टाफ आपकी हेल्प करेगा। कोशिश रहती है अगर कुछ चीज़ अगर हमसे आप खरीदते हो तो हमारी कोशिश रहती है, हमारी सर्विस रहती है कि हम 3 से 4 दिन में आपके घर पार्सल पहुंचा देने की कोशिश करते हैं। छुट्टी रहेगी तो नहीं रहता है, 4th-5th दिन पहुंचेगा, लेकिन 3rd-4th दिन हमारा पार्सल 100% कोशिश रहती है कि हम आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे शेव कॉइन एकदम अच्छी तरीके से आपको ये कलेक्शन करना है। रेयर सिक्के कौन से होते हैं उन चीज़ों पर ध्यान देना है। आप लोग ज़्यादा करके नहीं है, क्या करते हैं पता है, आपके घर में जो भी कूड़ा कबड़ा कचरा जो भी कहीं पे रखा हुआ है, लेकिन उसमें से ढूंढना है आपको। ऐसे ही नहीं है कि पूरे 5 पैसे के और पूरे एल्युमिनियम के बहुत सारे बहुत बैड कंडीशन के कॉइन हैं और आप हमें उन्हें बोलें कि प्रेम जी ये ले लो, मुझे आपने बताया था कि इतना पैसा मिलेगा। ऐसे नहीं मिलता है कोई चीज़ का पैसा, हर कॉइन नहीं बिकता है। मैंने आपको हर वीडियो में पहले भी बहुत सारी वीडियो में बताया है, चिल्लर नहीं बिकेगी, आपको उसके लिए सीखना पड़ेगा, डीलर के पास जाना है तो ये बुक खरीदनी पड़ेगी, वहाँ से सीखने के बाद ही आप इस काम को शुरू कर पाएंगे। कोई भी कहीं भी एग्जीबिशन में जाते हो आप, कोई भी डीलर को आप परेशान नहीं करेंगे, सीधा उसको दिखाएंगे अगर आप रेयर सिक्के लेके जा रहे हैं, अगर बेचना चाहते हैं तो, या कलेक्शन करना चाहते हैं, जिस डीलर को आपने पकड़ा है उस डीलर के साथ जाइए। जरूरी नहीं है कि आप मेरे से ही लीजिए माल, जिस भी डीलर से आप लेना चाहते हैं आप उसके पास जाइए, उसको बताइए कि भाई मुझे इस चीज़ में कलेक्शन करना है, ये मैंने बुक खरीदी है और ये वाला कॉइंस मुझे चाहिए। अगर उसके पास रहेगा तो वह 100% आपकी मदद करेगा और अपना वो जो भी मार्जिन रहती है, कोई भी डीलर कोई बहुत बड़ी मार्जिन में काम नहीं करता है, जो भी है 100-200 का हमारा मार्जिन रहता है और उसमें हम लोग कोई बहुत बड़ा मार्जिन में काम नहीं करते हैं। हाँ, रेयर सिक्के जो रहते हैं हम भी उस चीज़ को बहुत ढूंढ के नहीं लेके आते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं और अच्छे कलेक्टरों तक पहुँचाते हैं, उसके लिए थोड़ा मार्जिन रहता है। लेकिन दोस्तों मैं मेरा नंबर देना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ भी इसमें से खरीदना है, कॉइंस या डायरी, एल्बम्स, नोट्स, स्लिप्स, फोल्डर्स या फिर ये बुक्स, अगर आपको कुछ भी खरीदना है, मेरा नाम पप्पू प्रेम कलेक्शन, मैं मुंबई से हूँ, मेरा नंबर है 777, आप ध्यान से देखिए 7715043991। मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा आपके लिए, नोट कीजिए 7715043991। दोस्तों अगर आपको ये बुक चाहिए या और भी कुछ मदद चाहिए मुझसे तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा, लेकिन हमारा टाइमिंग है आपको सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक ही फ़ोन करना है, संडे हमारा बंद रहता है, तो यही टाइम पे अगर आप मुझे कॉल करते हैं तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। मैं और मेरी टीम हमेशा से आप लोगों के लिए बैठी है। जय हिंद, जय भारत।